हम सबको लाइफ में कुछ ना कुछ बनना है, मगर क्या हम सही रास्ते पर हैं? तो ये कहानी करीब 2018 की है, व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट कैमरा। मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। इससे पहले या तो मैं अपने फ़ोन से या तो अपने दोस्तों से कैमरा मांगकर वीडियोस बनाता था, लेकिन अब अपना कैमरा था और मैंने उस कैमरे से बहुत सारे वीडियोस बनाए, कभी दूसरों के लिए तो कभी खुद के लिए। और उसी वक्त मैंने अपना पहला व्लॉगिंग चैनल भी खोला। अब उस टाइम एडिटिंग तो कुछ खास आती नहीं थी, लेकिन जो भी बनाते थे उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। वीडियोस पे बहुत सारे व्यूज तो नहीं आ रहे थे, बट आई वॉज हैप्पी। मगर फिर मेरे दोस्त मेरे वीडियोस को देखकर बोलते थे कि भाई क्या कर रहा है तू, कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाओ यार, कुछ मज़ेदार बनाओ, कुछ वायरल होने वाली चीज़ें बनाओ यार। और मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स ने भी कहा ये व्लॉग क्या है भाई, ये व्लॉग क्या होता है, तुम सेलिब्रिटी थोड़ी हो जो तुम्हारे वीडियोस कोई देखेगा, ये वीडियोस बनाने से ना कुछ नहीं होने वाला। बंद कर दे ये सब, कुछ नहीं होने वाला। लोगों की बातें और ताने सुनने के बाद भी मैंने अपना काम करना नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे खुद पर और अपने काम पर पूरा भरोसा था। YouTube से ही फिल्म मेकिंग और एडिटिंग के बारे में सीखा और उन सबको अपने वीडियोस पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। और हाँ, बीच में थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी को लेके प्रॉब्लम आई, मगर मैंने हमेशा ट्राई किया है कि मेरा हर एक वीडियो पिछले वाले वीडियो से बेहतर हो। हमारे जैसे लोग जब भी कुछ स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि यार दुनिया वाले क्या सोचेंगे, हमारे दोस्त क्या कहेंगे, हमारे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे। मगर मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि अगर ऐसा मैंने सोचा होता तो मैं आज आपके सामने ये वीडियो नहीं बना रहा होता। एक बहुत सुंदर सी लाइन है, वो लाइन ये है कि अगर आप ये सोचने लग जाओगे कि दुनिया के बारे में क्या सोचेंगे, तो भैया दुनिया के बारे में सोचने के लिए चीज़ ही नहीं रहेगी ना, है ना। ना मेरे पास कोई कूल सी बाइक है, ना मैं कोई महंगी जगह पे जाता हूँ, और ना ही कोई इतना ज़्यादा ट्रैवल वेवल करता हूँ। मेरे पास है मेरा कैमरा, मेरा कंप्यूटर, और मेरी छोटी सी जिंदगी, जिसमें से कुछ हिस्सों को मैं कैप्चर और एडिट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आज है 1 सितंबर और कल हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे, और आज हमारे मम्मी का बर्थडे भी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन कर लिया जाए। एक केक दे रहा हूँ, ये वाले ले रहे हैं हम लोग। पहले मुझे ये लगता था कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, मगर आप सभी के कमेंट्स और प्यार को देखकर मुझे ये रियलाइज हुआ है कि संजय भाई तू जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, अब बस इस पे और मेहनत से लग जा, भगवान पे ट्रस्ट रखो और जो भी कर रहे हो उसको मन लगा के करो और दिल से करो, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि भगवान ने हमारे लिए आगे क्या सोच के रखा हुआ है। मुझे वीडियोस बनाना पसंद है और मैं इसको तो नहीं छोड़ रहा, चाहे कोई कुछ भी कह ले।